Assalamu alaikum, how are you all? I hope everybody is fine. Uh, this is English language and learning and uh, I am here with another video that is about uh, the telltale heart, a short story by Edgar Allan Poe and we are going to do the story analysis and I will tell you the main points, thematic concerns and what was the real motive behind writing this story or uh, what are the underlying themes that are under this plot or under this structure under the text of the story before moving forward i would like to ask you uh, being students of uh, english literature you can subscribe this channel and uh, hit the bell icon so you can get information of uh, uploaded videos on this channel Hi.

बात होती है एक स्टोरी के लिखने में या स्टोरी क्या हमें बताना चाह रही है तो इसकी जो मेन रीजन है द स्टोरी वॉन्ट्स टू टेल अस द एबनॉर्मल साइकी ऑफ अ पर्सन ऑफ द नरेटर हु जस्ट हेट्स द ओल्ड मैन फॉर हिज पेल ब्लूइश वल्चर आई ही इज वेरी रिपल्सिव टू द वेरी साइट ऑफ द ओल्ड मैन वल्चर आई दैट ही इमिजिएटली डिसाइड्स एंड प्लान्स टू किल द ओल्ड मैन ही इन जस्ट

ये एक एबनॉर्मल साइकी है जो कि उसकी एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंची हुई है अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये तो नॉर्मल बिहेवियर है कि हमें किसी की नाक नहीं पसंद हमें किसी की जो बोलने का अंदाज़ है वो नहीं पसंद हमें जो है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके हमें लाइक like वो आते हैं तो हम कहते हैं वी डोंट वांट टू हैव अ साइड ऑफ सच पीपल लेकिन क्या ये एक एबनॉर्मल साइकी है ये एक नॉर्मल साइकी है लेकिन ये एबनॉर्मल कब होती है जब हम किसी पर्सन को की जो हेट्रेड है जो नफरत है यानी कि डिसलाइकनेस कि है हमें जी हमारी जो नापसंदीदगी है किसी की हमें नाक नहीं पसंद तो किसी की हमें आंखें नहीं पसंद किसी की हो लिप्स नहीं पसंद तो जब ये एबनॉर्मल साइकी नॉर्मल साइकी जब एक्सट्रीम पॉइंट पे चली जाती है जब हम किसी की जान लेने तक पहुँच जाते हैं और हम प्लान कर लेते हैं कि अब हमें इस शख्स से जो है छुटकारा कैसे हासिल करना है बिकॉज वो एक ही घर में रह रहे हैं तो वो उसको मारने का इरादा अगर कर ले तो दैट बिकम्स एन एबनॉर्मल साइकी तो राइटर बेसिकली वॉन्ट्स टू डील विद डैट एबनॉर्मल साइकी कि किस तरह उसे एक उसकी आँख में एक ग्रीन झिल्ली है और उसके ऊपर एक पर्दा सा बना हुआ है जो कि वल्चर की तरह गिद की तरह दिखाई देती है जो हमारा स्टोरी टेलर है नरेटर है ही फाइंड्स हिम सेल्फ क्वाइट अनकम्फर्टेबल क्वाइट इनकनवीनियंट इन द कंपनी ऑफ़ दैट ओपन आई इन द कंपनी ऑफ़ दैट ओल्ड मैन विद सच आई कि वो उसको खुले हुए देख ही नहीं सकता उसे बहुत एंग्री फील करता है और अनकम्फर्टेबल फील करता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है दूसरी बात जो राइटर हमें बताना चाहता है सेकंड थिंग वो ये है कि थिंग्स दैट कैन नॉट बी टोल्ड बाय टंग कैन बी एक्सप्रेस बाय हार्ट जिन चीजों को जिन लफ्सों को हम जुबान से अदा नहीं कर सकते वो हमारा उन चीजों पे दिल बोल पड़ता है यानी हमारे दिल में इतनी स्ट्रांग उनकी जगह बन जाती है उन फीलिंग्स की इन इमोशंस की कि ऑटोमेटिकली दे फाइंड अ प्लेस टू वाटर वो ऑटोमेटिकली हमारी जुबान से जारी हो जाते हैं तो ये जो है बिहाइंड दिस मोटिव है बेसिक मोटिव जो है वो ये है जन जो है हम इसका थीम जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बेसिकली थीम भी इसका यही है कि किस तरह उसके लिए जो चीज़ें हैं एक इंसान के लिए किस तरह दूसरे को नॉर्मल लाइफ में टॉलरेट करना जब मुश्किल हो जाता है जब टॉलरेंस अनबेरेबल हो जाती है तो ये इंसान को थका देती है और इंसान का जो सब्र है वो पैमाना लबरेज हो जाता है और वो मोनोमैनिक बन जाता है मोनोमैनिक जुनूनी और पागलपन को कहते हैं व्हेन अ पर्सन कांट कम टू द कंसड्रेट लेवल विद अनदर पर्सन ही बिकम सो मोनोमैनिक वो इतना पागलपन और जुनूनी हो जाता है कि दूसरे इंसान की जो है जान लेने की कोशिश करने लग जाता है और नरेटर जो है हमारा इसी तरह करता है ये रिवेंजफ़ुल इमोशंस जो हैं उनको जन्म देती है नफ़रत और गुस्से को जन्म लेती है और इंसान की जो साइकी है वो एबनॉर्मल साइकी बन जाती है और वो फिर कोई भी जो वो एबनॉर्मल हद तक कहते हैं ना गुस्सा जायज़ है और ठीक होता है नॉर्मल होता है लेकिन वो ग़ुस्सा जो आपको दरवाज़े तोड़ने किसी को कत्ल करने किसी का थप्पड़ मारने गालियाँ देने पे आम करता है ना तो वो आप समझें कि आप जो है नॉर्मल गुस्से की लिमिट्स जो है वो क्रॉस करके एक एबनॉर्मल साइकी तक पहुँच चुके हैं तो उसको एक प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है और एज आ बीमारी उसे ट्रीट करने की ज़रूरत होती है तो जो हमारा नैरेटर है उसका गुस्सा नफ़रत एक बीमारी की सूरत अख्तियार कर चुकी होती है जिसकी सूरत में वो उसका कत्ल मर्डर किलिंग की तरफ जो है वो हो जाता है Then, जो है उसे आदमी से नफरत नहीं है उसे बस उसकी वो हैल्चर आई जो है उससे नफरत है और इतनी ग्रेव उसकी फीलिंग्स हैं उसके बारे में कि वो उसकी जान लेने तक पहुंच जाता है देन जो है वो कहता है वो पागल नहीं है उसका बहुत ज्यादा जहन है वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, है उसे एक्स्ट्रा सुनाई देता है लेकिन उसके बाद जो है ये उसको मारने के लिए था तो बेसिकली ये जो स्टोरी है ये एक थीसिस है अबाउट द पर्सनल इनस्टेबिलिटीज़ एंड एबनॉर्मैलिटीज जर्मिनेटिंग फ्रॉम द मोनोमैनिक नेचर ऑफ एबनॉर्मल कैरेक्टर कि किस तरह एक एबनॉर्मल कैरेक्टर अपने अंदर मोनोमैनिक फीलिंग्स जनरेट करता है और उसके नतीजे में इंसान की जो पर्सनालिटी है जो इमोशंस हैं जो माइंड है किस तरह इनस्टेबल हो जाता है और उसका कॉन्शियसनेस कैसे जो है वो बिगड़ जाता है ख़राब हो जाता है ये एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ है एक तो ये दूसरा जो है मर्डर विल अल्टीमेटली कम टू लाइट लाइफ कत्ल जो है एक इनोसेंट पर्सन का जो किलिंग है दैट विड नॉट बी हिडन फॉर एवर ये कभी भी छुपाए नहीं छुपता इट विल स्पीक इट सेल्फ आउट जी खुद ही बोल पड़ेगा ठीक है देन नंबर वन पॉइंट कि मर्डर जो है खुद ही बोल पड़ेगा यही इसके जो मैंने बोले यही थीम्स थे मेजर कंसर्न्स थे मेन पॉइंट्स थे मेन थीम था कि किस तरह जो है एक मेंटल इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाती है नफ़रत और गुस्से के नतीजे में और किस तरह नॉर्मल साइकी जन्म लेती है और किस तरह फिर जो एक इनोसेंट पर्सन का ब्लड है वो कभी भी नहीं छुपता बल्कि वो ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से बाहर निकल के आता है पहला पॉइंट कि मर्डर जो है विल स्पीक इट सेल्फ आउट It will come to light in itself. Uh, then jo hai, the narrator is obsessed with vulture eye of an old man. He becomes monomaniac, hallucinated, and abnormal. The narrator's blood splashes to the complete extent that he commits the murder to purify his inner evil instinct. U uske <sighs> खाली वे सा बन जाता है उसको वो फिल करने के लिए उसका मर्डर कर देता है ठीक है उसके साथ वो फ्रेंडली रिलेशन जो है बनाता है रोज़ उसे मिलने अच्छे अच्छे दिन में बोता है मौसम की बातें करता है अच्छा अच्छा मिलता है उसे लगता है कि ये बहुत हार्मलेस है पर्सन तो लेकिन हर रात को रोज़ उसे देखने जाता है जब देखने जाता है तो उसकी आँख जो है वो बंद होती है इसीलिए वो उसे मारे बगैर वापस आ जाता है क्योंकि असल नफरत तो उसे उस आँख से है क्योंकि वो खुलेगी तो उसका गुस्सा और जो नफरत है वो पीक पे जाएगी और वो उसे मारने के लिए आमादा हो जाएगा क्योंकि आपकी जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है आपका जो जहनी तोन जब बिगड़ता है तो वह किसी खास बात से किसी खास चीज़ से बिगड़ता है तो वो उसका वल्चर आई से बिगड़ता है फिर क्या होता है आठवें दिन जो है वो की आंख खुल जाती है तो वो उसको देख लेता है लाइट उस पर लगाता है वो खुलती है उसे गुस्सा शदीद होता है एक्सट्रीम पॉइंट पे जाता है और वो उसे मार देता है एंड फिर उसे छुपाने की कोशिश करता है पुलिस वाले आ जाते हैं लेकिन जो ब्लड है वो छुपाए नहीं छुपता इट स्पीक इट इट सेल्फ आउट उसकी जो बूढ़े की हार्ट बीट होती है उसकी आवाज उसके कानों में ज्यादा बजना शुरू हो जाती है बिकॉज ये एबनॉर्मल साइकी की कंडीशन है तो इसमें नॉर्मल है ऐसा ही होता है फिर जो हमें राइटर मैसेज देना चाहता है कि ये जो हमारा गुस्सा है नफ़रत है दूसरों को बर्दाश्त ना करना है शुरू शुरू में तो ये नॉर्मल होता है कि हम कहें आई डोंट लाइक हिम आई डोंट लाइक हर आई डोंट लाइक हर बिहेवियर दैट इज़ नॉर्मल लेकिन जब हम उसको एक्सट्रीम पॉइंट पे ले जाते हैं तो वो हमें भी फिर फिर पागलपन की तरफ ले जाता है और ये एक ऐसी इमोशनल इंस्टेबिलिटी है एक एबनॉर्मल साइकी है जिसको जो कॉमन लोग हैं वो तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते वो तो उसको नहीं देख पाते उसमें कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता कि यू आर क्रॉसिंग द लेवल ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन माइंड उसको एक प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है तो बेहतर यही है कि हम अपने नॉर्मल बिहेवियर की लिमिट्स को क्रॉस करते हुए एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाएं अपने आप को दरी कंट्रोल कर लें